सो वेलकम बॉयज़, दिस इज़ मयूर भैसारे, आपका दोस्त। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो एडिटिंग करूँगा। जो मैंने आपको मेरा फ़ोटोशूट दिखाया, जिस तरह से मैंने मेरा फ़ोटोशूट किया, उसमें से कुछ सिलेक्टेड फ़ोटोज़ को मैं आज एडिट करूँगा। तो देखेंगे कैसे मैं अपने फ़ोटोज़ को एडिट करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो बॉयज़, हम इस फ़ोटो को एडिट करेंगे। सो देखिए किस तरह से हम अपनी फ़ोटो को एडिट करेंगे। सबसे पहले फ़ोटो को हम शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इसको ओपन करेंगे एंड उसके बाद में हम इसकी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम अपनी एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में आपको पूरा वीडियो एंड तक के देखना है। पूरी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको दिखाई है वीडियो में, तो आप वीडियो एंड तक के देखो, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं मेरे फोटो को एडिट करता हूँ। सो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टिकर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे क्लाउड्स। तो हमें ऐसी एक पिक देखनी है जिसका बैकग्राउंड हमारे फ़ोटो के बैकग्राउंड से थोड़ा तो भी मैच हो और कुछ क्लाउड्स का इफेक्ट दिखे। जब हम एडिटिंग करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो वो जो कलर करेक्शन करेंगे, तो उस टाइम पे वो क्लाउड्स का इफेक्ट बहुत हाईलाइटेड होना चाहिए, एक स्ट्रोम जैसा इफेक्ट दिखना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को ऐड करूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने इस फ़ोटो को ऐड किया है। तो इसको मैं थोड़ा सबसे पहले फिक्स करूँगा जिस पोर्शन में मेरा क्लाउड्स है, तो उस पोर्शन तक के मैं उसको फिक्स करूँगा एंड उसकी एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। तो हमने जो स्काई का बैकग्राउंड ऐड किया था, उसका कुछ पोर्शन हमारे बॉडी पे आया है, तो उस पोर्शन को सबसे पहले हम इरेज करेंगे। सो इस तरह से हम इसको इरेज करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत परफेक्शन के साथ करना होगा, सो तभी हमारी फ़ोटो में कुछ अच्छा इफेक्ट दिखेगा। सो मैं बताऊंगा आपको कि मैं अपनी फ़ोटो को किस तरह से एडिट करता हूँ। सो आप वीडियो एंड तक के देखिए। अब मैंने इस फ़ोटो का जो बैकग्राउंड था, उसका ओपेसिटी कम कर दिया है। सो इसका रीज़न क्या है, मैंने इस फ़ोटो का बैकग्राउंड तो ऐड किया बट फ़ोटो का ओपेसिटी कम किया और अभी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न आपको एंडिंग में पता चल जाएगा। सो आप वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिए। सो ये हुई हमारी फ़ोटो, तो इसको हम सबसे पहले भी सेव करेंगे। तो चलते हैं, हम जो फ़ोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में सेव किए, उस फोटो को हम लाइटरूम ऐप में इंपोर्ट करेंगे। उसके साथ उस कलर करेक्शन, कलर एडजस्टमेंट, वो सब चीज़ें हमें देखना है। सो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से रहेंगी, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, शेडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, ये सब चीज़ आप देख लो, बहुत ही सिंपल है, आप इजिली कर सकते हो। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट करो, तो तभी आपकी फ़ोटो बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगी। तो मैंने कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग की है, आप देख सकते हो। उसके बाद में आएंगे नीचे के टूल पे, यहाँ पे हम कुछ कलर करेक्शन करेंगे। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, यहाँ पे टिंट, टेम्परेचर, वाइब्रेंस को कुछ इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, 0, 10, -24 और सैचुरेशन को रखा हमने 10। सो फिर जाएंगे कलर टोन ऑप्शन में, वहाँ पे कुछ कलर करेक्शन करेंगे। सो देखिए हम किस तरह से कलर करेक्शन करते हैं, स्किन का कलर, ग्रीन कलर, स्काई कलर हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, उसकी सेटिंग आप देख लो, एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हो और अपने फोटो के हिसाब से उसको एडजस्ट करो। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एज इट इज़ मेरी सेटिंग को कॉपी करोगे, आप अपने दिमाग से लगे कुछ वहाँ पे कलर करेक्शन करो, नहीं तो क्या होगा कि मैं तो मेरी फ़ोटो में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ लेकिन एज इट इज़ आप सेटिंग मेरी कॉपी करोगे तो शायद आपकी फ़ोटो में ज़्यादा ब्राइटनेस आ सकता है, शायद आपकी फ़ोटो में ज़्यादा डार्कनेस आ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना होगा आपको, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ मैं किस तरह से फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो आपको उसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्टमेंट करना है सेटिंग को, बस। सो हमने फोटो को कर लिया सेव। सो यहाँ पे हम फिर से एक बार आए हमारे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जहाँ पे हम एक फोकल जूम का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे एंड इसका इफेक्ट क्या होगा ये आपको कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। तो हम अपने फोटो को अभी सेव किया, अब करेंगे कुछ इफेक्ट्स में उसका HDR लुक को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो अब हम जाएंगे HDR मूड में, जहाँ पे हम फोटो को थोड़ा हाईलाइटेड करना चाहते हैं, तो कुछ ब्लैकनेस जो है उस फोटो को थोड़ा बढ़ाएंगे, लाइटनेस जो भी है, तो ये इस HDR लुक से हमारा क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो एंड तक ही देखिए बॉयज़, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो देखिए मैं किस तरह से अपनी फ़ोटो को एडिट कर रहा हूँ, करूँगा फिर से सेव, फिर से जाऊँगा मैं अपने लाइटरूम ऐप में। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ।
सो धीरे धीरे फोटो में इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहा है। सो बॉयज देखिए मैं और क्या करूँगा यहाँ पे, मैं जाऊँगा इस टूल पे जहाँ पे मैं विग्नेट को थोड़ा एडजस्ट करूँगा और मेरी फोटो एक स्टोन टाइप का इफेक्ट दिखेंगे वहाँ पे। सो देख सकते हो आप फोटो को, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही है फोटो। Yeah.